टेलीटॉक लेकर आया है आपके चहेते टीवी सितारों की लॉकडाउन एक्टिविटीज, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके चहेते टीवी स्टार्स कैसे कर रहे हैं घर में अपना टाइम स्पेंड। सबसे पहले बात टीवी स्टार सुमेध मुगलकर की। जी हाँ, सुमेध एक बार फिर से वापस लौट आए हैं अपने सोशल हैंडल पर, और सुमेध ने पोस्ट किया है मॉम के साथ अपने बचपन वाली पिक्स और लिखा है हैप्पी मदर्स डे। आपको बता दें कि सुमेध ने हाल ही में लिया था सोशल हैंडल से ब्रेक, और अब वो एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अपने सोशल हैंडल पर, जिससे उनके फैंस हैं बेहद खुश। और अब बात टीवी स्टार रुबीना दिलैक की। जी हाँ, रुबीना ने इस मदर्स डे के मौके पर अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है मॉम के साथ एक स्पेशल वीडियो और लिखा है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। और बात टीवी स्टार करिश्मा तन्ना के मॉम के साथ डिनर डेट की। जी हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान टीवी स्टार करिश्मा तन्ना ने मदर्स डे को बनाया बेहद खास और अपनी मम्मा को घर में ही ले गई डेट पर और कराया डिनर, जिसकी पिक्स को करिश्मा ने शेयर किया है अपने सोशल हैंडल पर अपने फैंस के लिए और लिखा है कैंडी लाइट पिज्जा डिनर विथ माय डेट। और बात प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा की। जी हाँ, आखिर किस वजह से रश्मि शर्मा हुई इमोशनल और उनकी आंखों से छलक पड़े आंसू, आखिर क्या बात है जिसे वो सबके साथ करना चाहती हैं शेयर, आप भी देखिए। हाय, आज मदर्स डे है और बहुत सारे पोस्ट देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है देख के, बट मेरा मन नहीं कर रहा कि आज मैं कुछ पोस्ट करूँ या कुछ लिखूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी मॉम को अभी तक कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं दो तीन दिनों से टीवी पे जो विजुअल देख रही थी, बहुत सारे मजदूर गांव जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ निकल पड़ी है सड़कों पे, तो टीवी पे देख के कभी ऑनेस्टली उस वक्त देख के विजुअल न्यूज़ का एक हिस्सा लगता था, बट आज जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम, मैं और पवन जी, हम दोनों जब अपनी एक हम सेट की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे जो एक बहुत, आप कह सकते हैं कि मैंने 1 किलोमीटर तक जिस तरह से लोगों को सम्मान, बच्चे नंगे पैर जिस तरह से वो लोग निकले हुए हैं सड़कों पे अपनी माँ से मिलने के लिए, गांव जाने के लिए, देख के वो टीवी का विजुअल और सामने देखना हिला गया। मुझे लगता है उनकी सिर्फ 2 या 3 ही आई थिंक रिक्वायरमेंट्स या उनकी उनकी ज़रूरतें हैं, वो है सिर्फ खाना, और सिर्फ खाने के लिए और खाना ना मिल पाने की वजह से यूं कह लें कि वो लोग पलायन कर रहे हैं, वो लोग अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। मैं देख नहीं पाई, मतलब टीवी पे देख के लगता था न्यूज़ है, चीज़ें हैं, बट जब इन सबको सामने जाता हुआ देखा तो मुझे लगा कि आई थिंक हम सरकार और बड़ी बड़ी बातें करें, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट आई थिंक हम सबको मिलकर, मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने एक्टर से, जो जिन्हें मैं जानती हूँ या नहीं भी जानती हूँ, आई थिंक उन्हें सिर्फ खाना चाहिए। अगर उन मजदूरों को खाना मिल जाए, 2500 किलोमीटर 2000-3000 किलोमीटर वो लोग अपने परिवार को लेके निकल पड़े हैं, कुछ बिस्किट्स हैं किसी के पास वो भी नहीं है, उन्हें उम्मीद है रास्ते में कुछ मिल जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट हमारा बहुत बहुत ब्लेस्ड है, हम घर बैठे हैं, हम सिर्फ लॉकडाउन के लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हम अपने काम पे निकले, बट मुझे आज लगा कि हमारा फ्रस्ट्रेशन या हमारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है उन सबके सामने, और सोल्यूशन सिर्फ खाना है।
और मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने सारे एक्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्हें भी मैं जानती हूँ, जिनमें क्षमता है, मैंने अपनी तरफ से जितने भी लोग थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जो जिन्हें हम रोक सकते हैं, जिन्हें हम जिनकी जरूरतें मतलब जिनको जिनको सिर्फ इतना ही एक अश्योरेंस चाहिए कि उनके साथ कोई है, उनकी देखभाल कोई कर रहा है, उनके लिए टाइमली उनको खाना मिल जाए, वो मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने, मैंने और पवन जी ने मिलकर किया है। मैं सिर्फ आप सबसे कहूंगी कि हम उम्मीद लगाएं सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। आज देख के मुझे कुछ और लगा, मुझे लगा कि आई थिंक हम वो सब छोड़ के अपनी तरफ से हम जो एफर्ट कर सकते हैं हम करें। आई थिंक उन्हें बस यही चाहिए, और वो सब भी कहीं ना कहीं अपनी माओं से मिलने आज निकले हैं, पता नहीं कितने दिनों के बाद पहुंचेंगे, मतलब निकल चुके हैं, और छोटे छोटे बच्चे और नंगे पैर, मतलब न्यूज़ में देखने के बाद और आज सामने देखने के बाद मुझे मतलब मैं नहीं देख पाई। सो बस सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आई थिंक मदर्स डे का यही सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है कि हम, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी अपनी माँ से मिलने निकले हैं, हम कुछ ऐसे लोगों को जो हमारी क्षमता है हम उन्हें सपोर्ट करें, उनके खाने का ध्यान रखें, उन्हें हम इतना अश्योरेंस कर दें कि वो कहीं ना जाएं जब तक लॉकडाउन नहीं होता, कंफर्टेबली हम उन्हें उतना सपोर्ट कर सकें, उतनी हेल्प कर सकें, उससे ज़्यादा उनकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मेरे एक्टर्स को मैं स्पेशली बार बार उन्हें बोलूँगी कि आई थिंक आज वो वक्त है जो हम सबको मिल के ये सब करना है, और हम जो भी अपने लेवल पे कर सके हमें करना होगा, बिकॉज सिचुएशन इन लोगों के लिए तो अच्छी नहीं है। Sure. वहीं टीवी स्टार काम्या पंजाबी ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है एक वीडियो और बताया है कि अगर अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान रखना चाहते हैं बिजी तो क्या करें। आप भी देखिए